दारुल हुकूमत दिल्ली की सड़कें एक मरतबा फिर किसानों के एहतजाज की गवाह बनने जा रही हैं। अगर इनके देरीना मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो किसान दिल्ली में एहतजाज करने के लिए पहले से प्लान तरतीब दे चुके हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली की जानिब कूच मुसलसल जारी है। किसानों के इस मार्च की इतला मिलते ही गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली पुलिस चौकस हुई है। चेकिंग मुहिम का सिलसिला तेज किया गया है और जिले से आज दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मुतद्दिद मकामात पर देखने को मिल रहा है। पुलिस ने ड्राइवरों के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर दिल्ली की सरहद पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो कई सड़कों पर रूट डाइवर्जन किया जाएगा। पुलिस ने शहरियों को जाम से बचने के लिए मेट्रो सर्विस इस्तेमाल करने का भी मशवरा दिया है। ये तजवीज खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में सफर करने का इरादा रखते हैं। इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर दिल्ली जाने वाली गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्तों का भी जिक्र किया है। अगर किसानों के मुताबिक उनके मुतालबात पूरे न किए गए या बात न मानी गई तो उन्हें फिर से सड़कों पर निकलने का जो मनसूबा बनाया है उसके मुताबिक वो दिल्ली से वापस पीछे नहीं हटेंगे, जिसके मुताबिक आज वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आपको बताते चलें कि 2 दिसंबर को यानी आज ग्रेटर नोएडा के किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं और किसानों और अथॉरिटीज़ के दरमियान चलने वाली तकरीबन 3.5 घंटों तक मीटिंग भी नाकाम रही। इस मीटिंग से कोई मस्बत नतीजा बरामद ना हो सका। मीटिंग के बाद किसानों ने अपने मुतालबात को लेकर दिल्ली मार्च करने का फैसला किया, जिस बीच सिक्योरिटी अलर्ट भी है। पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के अहदेदारान के साथ मीटिंग में किसानों ने कई अहम मुतालबात पेश किए। ताहम अहदेदारों ने किसानों के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसानों का गुस्सा मजीद बढ़ गया। किसान रहनुमाओं ने यह वाजह किया कि वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए दिल्ली तक मार्च करेंगे और अगर इनके मुतालबात पर तवज्जो ना दी गई तो उनका एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। किसानों के मुजवजा मार्च के पेश नज़र तमाम गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पीर के लिए ट्रैफिक पहले से जारी कर रखी थी ताकि शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बरकरार रखा जा सके। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर होने वाले एहतजाज के बीच एहतजाज के तनाजुर में ट्रैफिक इंतजाम के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। किसानों के मुताबिक गोरखपुर में बनने वाली हाईवे के लिए 4 गुना मुआवजा दिया गया, जबकि गौतम बुद्ध नगर को 4 गुना मुआवजे के लिए फ़ायदे से महरूम रखा गया। इसके अलावा सर्कल रेट में भी 10 साल से इजाफा नहीं हुआ। किसानों के अहम मुतालबात में 10% तरक्की याफ्ता अराजी, हाई पावर कमेटी की सिफारिशात और नए हसूल अराजी कानून के फ़वाद शामिल हैं और ये तमाम फैसले हुकूमती सतह पर होते हैं, आज भी होने हैं, लेकिन इस दौरान हुकूमत मुसलसल किसानों के मामलात को नज़रअंदाज कर रही है और एक बार फिर से किसान तहरीक शुरू होते नजर आ रही है। अलग अलग मकामात पर हाई अलर्ट के बीच रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों को भी आज सील करके रखा गया है। मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके मुतबादिल रास्ते शहरियों के लिए बनाए तो गए हैं, लेकिन किसान फायरिंग, वाटर कैनन, लाठी चार्ज और किसी भी तरीके से या तशद्दुद से बचने के लिए मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दिल्ली की तरफ इस वक्त गामजन है और हुकूमत पर एक के बाद एक हमला जारी है।